हेलो फ्रेंड, आपने प्लॉट साइज 22 फीट बाय 72 फीट का ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 देखा। ये ऑप्शन 3 लेकर के आपके सामने है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन 3 स्क्रीन पर 3 BHK का फेसिंग वेस्ट, ये रहा। अन्य दो प्लान की तरह ये भी ग्राउंड फ्लोर का प्लान है और इसमें भी 3 BHK का है। तो ये देखिए, यहाँ इसमें पीछे सेटबैक 5 फीट छोड़ा हुआ है जी, यहाँ जिसमें ये बाउंड्री वॉल का थिकनेस इंक्लूड है। उसके बाद एक साइड में पूरा और उत्तर के कोना में पूजा घर प्रोवाइड किया गया है, जबकि कॉमन टॉयलेट दिया गया है। इधर पूरा और दक्षिण साइड में जी हाँ, और बीच में खूबसूरत सा बरांडा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9 फीट 6 इंची और इस जगह से लेकर के इस जगह तक 6 फीट 10 इंची हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और ये बीच से आपको नीचे उतरने का रास्ता है, ये स्टेप्स दिया हुआ है। दोनों साइड इधर और इधर खिड़कियाँ देनी है जी हाँ। 4 फीट काटने के बाद ये सारे 5 फीट बचता है, तो अब उसमें 2 फीट 9 इंची का इधर प्रोवाइड करें खिड़की, और 2 फीट 9 इंची का इधर। इसमें पूजा घर में जैसा कि साइज आप देख रहे हैं 5 फीट ऐसे है और 6 फीट ऐसे है, उसी प्रकार टॉयलेट भी 5 फीट ऐसे और 6 फीट ऐसे है। टॉयलेट में पीछे 3 फीट बाय 1 फीट का वेंटिलेटर देना है सीलिंग हाइट पर, और जबकि ये इसमें 3 फीट बाय 4.5 फीट का खिड़की देना है। ये दोनों में दरवाज़ा एक ही साइज का लगेगा, 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का। उसके बाद में आइए, ये दोनों रूम है, बेडरूम इक्वल साइज में, या 1 इंच कम है, ये 10 फीट इसको या इसको जिसको भी चाहे। एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक एक्चुअल डिस्टेंस आ रहा है 9 फीट 11 इंच जी हाँ, जबकि इधर ये 10 फीट है। तो 10 फीट बाय 12 फीट आप कह सकते हैं का 2 बेडरूम है, जिसमें 4 फीट का यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई रखी हुई है सेल्फ का, और इस जगह से इस जगह तक 1 फीट 6 इंची है यहाँ पर भी, और ये डी का साइज वही 3 फीट 6 इंची है चौड़ाई में, यहाँ पर भी देना है जी हाँ। इस जगह दरवाज़ा आप चाहे तो 3 फीट की ही चौड़ाई में रख सकते हैं, जबकि आगे में 3 फीट 6 इंची का रखना आवश्यक है। और इस साइड में यहाँ पर ये देखिए 4 फीट के चौड़ाई में इस बेडरूम का खिड़की है, जबकि ये 2 फीट के चौड़ाई में यहाँ पर खिड़की दिया हुआ है। ये बीच में डाइनिंग हॉल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 फीट 5 इंची, जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 फीट 5 इंची। सुविधा अनुसार यहाँ या यहाँ किसी भी जगह पर आप बेसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये ककट है, आपको यहाँ से यहाँ तक 4 फीट और इस जगह से लेकर के इस जगह तक 5 फीट इसमें चापाकल लगा सकते हैं। और इस साइड में आगे में ये 10 फीट यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक में 12 फीट एक तीसरा बेडरूम है, इसमें भी यहाँ पर सेल्फ प्रोवाइड किया गया है। इसकी भी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक 1.5 फीट है, जबकि इस जगह तक 4 फीट रखी हुई है, और यहाँ पर 4 फीट की चौड़ाई में खिड़की दी हुई है। बीच में यहाँ ये देखिए 3.5 फीट की चौड़ाई में पैसेज है, और इस साइड में आपका किचन कम स्टोर है। यहाँ से यहाँ तक 6 फीट और यहाँ से यहाँ तक 12 फीट, तो आप इधर इस पोर्शन में इस जगह पर
डेढ़ फीट के चौड़ाई में ये सेल्फ प्रोवाइड करें, स्टोर का काम करेगा। इसमें कुक्ड फूड रखें या और भी खाद्य सामग्री आप रख सकते हैं। और इस साइड में यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 फीट के चौड़ाई में प्लेटफॉर्म है, जबकि ये 1.5 फीट की चौड़ाई में दी हुई है। जी हाँ, यहाँ पर दरवाज़ा लगाना है 3 फीट की चौड़ाई वाली, और यहाँ पर 3.5 फीट की चौड़ाई में। उसके बाद में फ्रंट में स्टेयर केस प्रोवाइड किया गया है, इधर से सीढ़ी चढ़ता है, इसे आकर के वापस जाता है। जी हाँ, ये जगह चौड़ाई यहाँ पर 3.5 फीट देना है। लैंडिंग की चौड़ाई आपका जो है सो यहाँ से यहाँ तक में 6 फीट और इस जगह से इस जगह तक 3 फीट है। यहाँ इस साइड में अच्छा खासा साइज ली हुए बरंडा है, ये यहाँ से यहाँ तक 13 फीट 6 इंची, जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 फीट में है। यहाँ से आप नीचे स्टेप से उतरिए, इस जगह से लेकर के यहाँ तक जैसा कि आप देख रहे हैं 13 फीट 6 इंची हो रहा है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 16 फीट अच्छा खासा जगह बन रहा है। जी हाँ, गाड़ी खड़ी करने के लिए आप चाहे तो इसमें 2 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। वैसी स्थिति में इस स्टेप्स को बीच में रखें, जी हाँ, तो दोनों जगह स्पेस बन जाएगा। और ये आगे में ये गेट प्रोवाइड किया हुआ है 9 फीट की चौड़ाई में। इस सब जगह पर आप प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन 3 अन्य 2 प्लान की तुलना में देखें आपको कितना पसंद आता है। 2 ऑप्शन और इसका तैयार है, वो भी रखते हैं लगातार, उसके बाद में दूसरे प्लॉट साइज पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।